कुछ हफ्तों बाद रिलीज़ होने वाली है दबंग 3 और उसके दूसरे हफ्ते रिलीज़ होने वाली है गुड न्यूज़। और मेरे साथ फिलहाल मौजूद है दो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सलमान और अक्षय के फ़ैन हैं। यहाँ पे नितिन भाई जिनके हाथ में बूम है, ये फ़ैन है अक्षय कुमार के, और यहाँ पे फिल्मी सिकंदर है जो फ़ैन है सलमान खान के। आप दोनों से जानना चाहूँगा भाई लोग कि सलमान खान की, जैसे आप अक्षय कुमार की फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड गुड न्यूज़ के लिए? हम गुड न्यूज़ के लिए बहुत एक्साइटेड से। अच्छा, उनकी बहुत रात देखा कि कभी वो रिलीज हो हम देखने के लिए जाएं। अच्छा, फिल्म आ रही 27 तारीख को। हाँ। तो क्या वेट कर रहे हो उस फिल्म का? बहुत। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे फिल्म सिकंदर भाई, दबंग 3 के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? तो स्वागत तो करना ही है भाई। अच्छा, बहुत अच्छे से स्वागत होगा। अब तो चश्मा जरा लगा लीजिए ना भाई। चलो ठीक है, लगाएंगे। चलो ठीक है, मतलब दबंग 3 देखते वक्त लगाएंगे। अच्छा, वो टी शर्ट भी बनाने का सोच रहे थे? अरे टी शर्ट बना दिए भाई ने दबंग 3 का, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, आप अब जरा आपसे बात करना चाहूँगा अक्षय कुमार की जो फिल्मों के गाने जो आए हैं, चाहे वो सौदा खरा खरा भी आया हो, उसके अलावा एक और गाना आया था चंडीगढ़ में, गाने कैसे लग रहे फिल्म के? तो गाने बहुत अच्छे लगे, मैं बहुत सुना वो गाने। अच्छा, तो गाने मतलब इंजॉय कर रहे आप? एयरफोन डाल के। अच्छा, तीन बार आपसे जानना चाहेंगे दबंग 3 की भी कई सारे गाने रिलीज हुई है, वो कैसे लगे आपको अभी तक? हुड हुड दबंग, मुन्ना बदनाम हुआ, अच्छा। अब दोस्तों जानना चाहेंगे फिल्म को लेकर क्या कोई डर है या फिर खुशी, दोनों अगर बता सके। कोई डर है फिल्म को लेकर, गुड न्यूज तो, चले नहीं चले क्या ऐसा कुछ? हमको डर तो नहीं है, बाकी उत्साह, हमको बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, गुड न्यूज जब रिलीज होएगा हम पहले देखेंगे, पहला शो। हाँ, बढ़िया। अब जानना चाहेंगे फिल्म सिकंदर भाई, क्या हल्का फुल्का ऐसा डर लग रहा है कि भाई उनकी फिल्म चलेगी नहीं चलेगी? अच्छा, 20 दिसंबर है, बाकी रहा गुड न्यूज का। हाँ, तो वो एक हफ्ते के बाद है। भाईजान के पास 6-7 दिन पूरा है कमाई करने के लिए, तो 7 दिन में वो दबंग 3 बहुत कमाई कर चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो सभी पूछ रहे हैं कि दबंग 3 के बाद क्या आपको लगता है फिल्मी भाई की दूसरे हफ्ते फिर गुड न्यूज आई तो टक्कर बड़ी मिलेगी, कलेक्शन में कमी होगी? देखिए, कलेक्शन में कमी उसको गुड न्यूज से दबंग 3 से प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उस वक्त एक सॉफ्ट मूवी ASN करके मूवी आ रही है। हां, उससे गुड न्यूज को फर्क पड़ता है। अच्छा, दबंग 3 एक हफ्ता पूर्व मतलब पुरानी। अच्छा, 3 का उत्साह थोड़ा लोग में कम पड़ जाएगा, उस वक्त नया मूवी आएगी गुड न्यूज ASN, उसको लेके थोड़ा पब्लिक में डिमांड बढ़ेगा। अच्छा, आपसे जानना चाहिए ये सवाल, क्या गुड न्यूज जब आएगी उसके हफ्ते एक हफ्ते पहले एक और फिल्म रहेगी, सीन काउंट कम मिलेगी या कलेक्शन कम होगा या कैसा लगता, कितना टक्कर देगी दबंग 3 को? नहीं, ऐसा लगता है कि वो टक्कर देगी तो नहीं। अच्छा, बाद में वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, फिल्म कितनी अच्छी चलती है उसके ऊपर, राइट? अच्छा, तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि दोनों लोग बहुत एक्साइटेड हैं, उम्मीद करते हैं जब फिल्म रिलीज हो तो अक्षय कुमार की फिल्म हो चाहे वो सलमान की दबंग 3 हो, दोनों ही कमाल करे। चलिए, फिलहाल के इतने दोस्तों, थैंक यू।